हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने ये आम मेरे पास आम थे, 6-7 आम थे। ये मैंने मॉर्निंग में अच्छे से धो के और पंखे में सुखा लिए थे। जैसे आपने पहले देखा, उसको मैंने छोटा छोटा काट के और पंखे में जो है मैंने सुखा लिए, तो सारा पानी इसका जो निकल चुका है। उसके लिए मैंने डब्बा धूप में सुखा के अच्छे से पोंछ लिया है। तो ये जो अचार है, इसमें जाली नहीं पड़ती, ये कच्ची कैरी का अचार है, ठीक है। तो इसके लिए हम मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने ना ऑयल ये जो है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ले लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल। और किसी कोई भी अचार जब हम डालते हैं तो उसके लिए मस्टर्ड ऑयल ही हमें चाहिए, उसी में अचार पड़ता है, उसी में अच्छा बनता है। तो उसमें मैंने डाल दिया हींग। थोड़ा सा गर्म होने के बाद हमने तेल पहले गर्म कर लेना है, क्योंकि उसको ठंडा होने में जो है टाइम लगता है। फिर हम सूखे जो है हमने जो मसाला तैयार करना है आम का, तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच मेथी दाना ले लिया है और 2 चम्मच सौंफ ले लिया है। इनको अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक इसमें खुशबू नहीं आती है, धीमी गैस पर। अब मैं इसमें लूंगी 1 चम्मच जीरा, इसको भी अच्छे से हमें भून लेना है। अब हम लेंगे राई, सरसों आप पीली काली जैसे भी आप ले सकते हो, मेरे पास ये वाली थी पीली वाली, तो मैंने ये वाली सरसों ले ली है। अपने हिसाब से कम से कम 4-5 चम्मच चाहिए राई, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और कलौंजी हम साबुती डालेंगे बाद में। इसको भूनने के बाद इसको हम ठंडा करके फिर ग्राइंडर में इसको हम जो है दानेदार पीस लेंगे, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। और फ्रेंड्स, एक बात अचार बनाते समय हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके इस बर्तन जो है सभी ड्राई होनी चाहिए, आपके हैंड ड्राई होनी चाहिए, यानी कि पानी नहीं होना चाहिए ना किसी स्पून में, ना किसी बर्तन में, ना आपके हाथ में। जो कपड़ा यूज़ करें वो भी एकदम ड्राई यूज़ करें, तो आपका अचार ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए ये जो है हमारा ना एकदम, हमें इसको भूनना नहीं है, केवल लाइट ब्राउन आपको स्मेल आ जाएगी, उतना ही हमें इसको करना है। ड्राई मसाला जो है भून लिया है और इसको अभी हम ठंडा होने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे मोटा मोटा, ठीक है ना, दानेदार। और ये ऑयल है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये कैरी है, तो अब ये ठंडा हो जाए, इसके बाद फिर हम इसको ग्राइंड करते हैं। और इसमें जो है हल्दी नमक मिर्च हम बाद में ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो है मसाला तैयार कर लिया है, देखिए वो दानेदार मैंने पीस लिया है। ये थोड़ी सी काली अजवाइन भी इसको बोलते हैं और इसको कलौंजी भी बोलते हैं। तो ये हम ये साबुती डालेंगे हम ना, एक स्पून के आसपास साबुत डालेंगे। और ये हमारा ऑयल भी ठंडा हो चुका है। अपने आम डालेंगे सारे, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ये मसाले, हम इसमें डालेंगे ये काली वाली अजवाइन, थोड़ी सी डालनी है। ऑयल लिया, ऑयल को हमने ठंडा होने दिया, मसाला पीस लिया हमने ड्राई। अब हम डालेंगे इसमें हल्दी, इतना कि कलर आ जाए अपने अंदाजे के अनुसार। मिर्च, अब हम डालेंगे नमक। नमक हम इसमें अच्छा खासा डालना है, ठीक है। और आप बाद में थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेना। अब हमें इसको अच्छे से जो है मिलाना है। मैंने ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लिया था ताकि मुझे दोबारा नहीं डालना पड़े, क्योंकि ये मुझे ना जल्दी ख़त्म करना है। ये वाला अचार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, जो साल भर चलता है वो ये वाला नहीं चलेगा, क्योंकि ना इसकी जो आम की जो गुठली थी वो कच्ची थी, वो जो जाली वाली होती है ना वो नहीं थी, ये कच्ची आम ही थी। जो ये आसान इस चक्कू से जो हमारे कट गए थे, वो दूसरा वाला जो आम आता है ना, जो पक्का अचार वाला, वो उसके लिए तो स्पेशल चाहिए नाइफ, आम जो आम काटने का होता है ना वो चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए बनके हमारा चटपटा आम तैयार हो चुका है। और ना आप इसमें अगर आपको हल्दी वगैरह कुछ कम लगे, मतलब हल्दी नहीं, आपको मिर्च कम लगे या फिर आपको नमक कम लगे, तो अभी आप इसमें टेस्ट करके डाल सकते हो, है ना। मिर्च तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, चटपटा चाहिए मेरे को ये, तो मैं इसमें और मिर्च डाल देती हूँ और नमक मैं टेस्ट करके डालूँगी। तो आपको जो टेस्ट कैसे करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अचार हमारा तैयार हो चुका है और मैं हल्का सा लेके टेस्ट कर रही हूँ नमक मिर्च इसमें कैसा है। आप अभी इसी में मेरे पास प्लास्टिक का है तो मैं प्लास्टिक में भी करूँगी, आपके पास अगर चीनी मिट्टी का हो, कांच का हो, तो आप उसमें फिल कर लीजिएगा। और इसको डेली आपने खाना है। और अगर आपको लगे कि अचार खराब हो रहा है तो उसमें ऑयल ऊपर तक फिल कर दीजिए, तो आपका अचार अच्छा चलेगा, ठीक है गाइस। तो गाइज़ यहाँ पे जो है मेरा अचार बन के तैयार हो चुका है और मैंने प्लास्टिक के डब्बे में फिल कर लिया है। आपके पास जो भी हो आप उसमें फिल कर लीजिए, जैसा मैंने बताया था। वैसे तो ये अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है, अगर आपको लगे तो इसमें ऊपर तक ऑयल फिल कर लीजिएगा, मस्टर्ड ऑयल गरम करके और ठंडा करके, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आप घर पर बना सकते हो, जो कच्ची अम्मी आ रही हैं
और आज की मेरी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक तो कर ही दीजिएगा, और जो नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। चलते हैं, सबको जी राम राम, टेक केयर, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाते रहिए, खुश रहिए। मिलूंगी आपसे फिर कोई नई डिश, कोई नई ब्लॉग, कुछ भी नया, है ना, नहीं तो फिर डेली रूटीन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।